तालिबान के टॉप तीन नेताओं में से एक शेर मोहम्मद अब्बास, जो तालिबान का सुप्रीम कमांडर भी है, उसे भारत अफगान मैत्री संधि के तहत 1982 में देहरादून स्थित इंडियन मिलिट्री एकेडमी में पूरी मिलिट्री अधिकारी की ट्रेनिंग और पढ़ाई दी गई थी। इन्हें हिंदी बहुत अच्छी तरह से आती है। पाकिस्तान की मीडिया अब आप लग रही है कि पाकिस्तान में जो आतंकवादी घटनाएं बढ़ गई है, वह भारत इन्हीं शेर मोहम्मद के मदद से करवा रहा है। वह 5 साल आईएनए में से ट्रेनिंग लिया और सेकेंड लेफ्टिनेंट बनकर पास आउट हुआ और अफगान सेना में मेजर जनरल तक पहुंचा था, फिर बाद में तालिबान में शामिल हो गया। आश्चर्य इस बात का है कि ये शेर मोहम्मद अब्बास खुद तालिबानी है, तालिबानी सोच रखता है, लेकिन इसे खुद की बेटी कोलंबिया बिजनेस स्कूल से एमबीए करके अमेरिका में एक मल्टीनेशनल कंपनी में वाइस प्रेसिडेंट है और वह ना हिजाब पहनती है ना बुर्का पहनती है। भारतीयों को अफगानिस्तान से शांतिपूर्वक बाहर निकालने में शेर मोहम्मद अब्बास की बहुत बड़ी भूमिका रही है। इसके साथ ही अधिकारी इसे शेरों कहते थे क्योंकि यह भारत में रहा है, इसलिए उसने अपनी सुरक्षा में यानी तालिबान की सुरक्षा में सभी भारतीयों को एयरपोर्ट तक पहुंचाया। शेर मोहम्मद अब्बास ने भारत सरकार से कई बार निवेदन किया कि आप हमारे साथ यानी तालिबान सरकार के साथ रिश्ते मत तोड़िए, आप अपना दूतावास चालू रखिए।